कहानी शुरू होती है एक पुराने मानसिक अस्पताल में, जहां एक भूतिया मरीज विक्रम आधे दिल से जी रहा था। रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं, वह अपने कमरे से बाहर निकलता था भटकता हुआ। दीवारों से निकलती हुई आवाजें उसे डरा देती थीं, पर उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींचती रहती थी। एक रात वह एक छोटे कमरे में पहुंचता है जो अस्पताल के अंतिम मंजिल पर स्थित है। वहां एक पुरानी खोली हुई बक्से में बंद एक गुप्त रहस्य होता है। विक्रम के हाथ भी होते हैं और वह उसे खोलने की कोशिश करता है। एक बार खोलने पर उसे देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक विचित्र वातावरण उसे घेर लेता है। अचानक बक्से से एक आवाज आती है, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाऊंगा। विक्रम के होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि बक्से में छिपा हुआ उसका पिछला रोगी है, जिसने अस्पताल में मौत का नाटक किया था। उसी समय वह एक अद्भुत और भयंकर रूप में परिणत हो जाता है और बक्से में वापस चला जाता है, कहते हुए तुम्हारी जिंदगी मेरी हो गई है। उसके बाद से अस्पताल में बर्बादी का माहौल छा जाता है और वहाँ कोई भी स्थायी रहने वाला नहीं होता।